महाराष्ट्र में भाजपा के कई नेता एक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक भी की है। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन पार्टियों के खराब बैठक को लेकर केंद्रित थी। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बैठक की। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बैठक से जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ देर तक के लिए जारी रहे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व में पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक भाजपा राज्य स्तर के पार्टी नेताओं के साथ इस तरह की बैठक अक्सर करती रहती है। बता दें कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो राज्य विधानसभा चुनाव तक पार्टी के लिए पूर्ण काले काम करना चाहते हैं। दिल्ली की बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र भाजपा इकाई का प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को इसका सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के नतीजों की बात करें तो सत्ताधारी महायुति के दल भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 48 में से मात्र 17 सीटें ही जीत सकी थी। इसमें भाजपा ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती। वहीं विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एसपी ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी।